साथियों, कोरोना वायरस के नियंत्रण के संदर्भ में प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी देने हेतु मैं सर्वप्रथम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सहयोगी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद साहब का स्वागत करना चाहूँगा और ये अपने सभी प्रेस के साथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें प्रेस प्रतिदिन 4 बजे यहाँ इस कमरे में होगी और मैं और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको जानकारी देंगे। इस प्रेस में आपको कोशिश हमारी ये होगी कि लिमिटेड लोग ही आए तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एएनआई और दूरदर्शन से हम इसको लाइव कर रहे हैं और हमारा अपना जो फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है उससे भी लाइव हो रहा है, हमारे सोशल मीडिया की टीम भी लाइव कर रही है, तो हम आपको डिटेल देंगे कि किस जगह से आप लाइव कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर प्रत्येक घंटे जो है कोरोना और कोरोना से संबंध में जो महामारी है इसको रोकने के लिए प्रदेश में हर संभव प्रयास करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले कई दिनों से लगभग फरवरी माह से ही उन्होंने इस पूरी तैयारी में हम लोगों को जुटाया, प्रदेश सरकार की हर मशीनरी को और जनता का सहयोग भी लिया और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह कहा, ये प्रदेश का टीम वर्क ही है जो बहुत अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है और पूरे प्रदेश में सभी प्रशासनिक मशीनरी, हर विभाग की मशीनरी, हेल्थ विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग, पुलिस विभाग, सप्लाई के विभाग और जितने भी विभाग हैं सब जुटकर जनता का सहयोग लेकर, मीडिया का सहयोग लेकर, आप सबका सहयोग लेकर इस पूरे प्रदेश में जो है इस महामारी को लड़ने का हम जो है एक अभूतपूर्व टीम वर्क के आधार पर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में एक बड़ा चैलेंज है, 23 करोड़ से अधिक लोग हमारे प्रदेश में हैं, हम लगभग सबसे बड़े राष्ट्रों में से हैं, तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए हमारी जो तैयारी है वो भी अभूतपूर्व रूप से मेहनत और उसको जो है बड़ा सोच समझ के करनी होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। लगभग एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी है कि पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति विदेशों से आए हैं, कुछ लखनऊ एयरपोर्ट पर, कुछ दिल्ली एयरपोर्ट से, कुछ जो है अन्य प्रदेशों से, बम्बई से होते हुए जो है विभिन्न ट्रेनों से आए हुए हैं और ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक सीधा संवाद करके, सीधे लोगों से बातचीत करके एक बढ़िया प्रयास जो है, एक अच्छा प्रयास और सकारात्मक प्रयास लगातार चल रहा है। आप सबने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जनता कर्फ्यू का एक आह्वान और अपील थी, पूरे प्रदेश में स्वतः भाव से, स्वतः जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो यूथ है उसने इम्प्लीमेंट किया, जो लोग हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, महिलाओं ने इम्प्लीमेंट किया, बड़े बुजुर्गों ने इम्प्लीमेंट किया, गांव में किया, शहर में किया, प्रदेश के हर कोने में किया और इसकी सराहना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और एक्सपर्ट्स भी हमारे प्रदेश की कर रहे हैं। ये एक चीज़ हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि प्रदेश में सीए के विरोध में कई जगह धरने चल रहे थे, हम इस बात के लिए गृह सचिव हूँ इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि सीए में धरने पर जहाँ भी लोग बैठे थे उन्होंने अपना धरना या तो समाप्त कर दिया है या उसको स्थगित कर दिया है और हम तो अपेक्षा यही करेंगे कि इस जनता के से अपील करेंगे, उन महिलाओं से भी अपील करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस पूरी लड़ाई में हम सब साथ रहें और कहीं भी किसी भी रूप में कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे कि हम लोगों को कोई कठिनाई आए, तो मैं ये अपील भी आज इस माध्यम से करना चाहूँगा और गृह सचिव होने के नाते प्रदेश की ओर से उन सबका जो है धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी निर्देश हमारे पुलिस विभाग को, डीजीपी साहब को, हम सभी लोगों को दिया है कि सबका सहयोग लेकर कोशिश रहे कहीं भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था या जो है नियमों के विपरीत कोई कार्रवाई हो। एक चीज़ हम आपके संज्ञान में ये डालना चाहेंगे कि कल से, जब से 16, 17 और अब 18 जनपदों में लॉकडाउन की व्यवस्था हो रही है तो उल्लंघन करने पर भी अब सख्ती की जा रही, क्योंकि ये सभी लोगों के हित में है कि हम लोग जो है पूरे नियमों का सख्ती से पालन करें, लेकिन कहीं अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो इसमें जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट में नोटिफिकेशन हुआ है
उसके आधार पर 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी हो रही है। तो ये भी एक जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये प्रारंभ केवल इसलिए की गई है कि जिला प्रशासन और पुलिस इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर रहें, सक्षम रहें कि लोगों को समझाएं, बुझाएं और बताएं कि वो किसी भी सूरत में कोई गलत काम न होने पाए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आवश्यक वस्तु नियम के अंतर्गत भी अब कार्रवाई हो रही है और हम इसका भी डिटेल आपको दिन प्रतिदिन देंगे। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि यूपी 112 जो पूर्व में यूपी 100 थी, इसको भी सहयोग देने के लिए, हर संभव सहयोग देने के लिए कोरोना वायरस के अंतर्गत जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं। विभिन्न एम्बुलेंस सेवाएं 108, 102 और जो ALS हैं, इनके संदर्भ में प्रमुख सचिव चिकित्सा भी बहुत डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक विशेष अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और आदेश भी अब दिया है कि ये जो पान मसाला और गुटखा, इस पर भी अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये थूक कर जो लोग बाजारों में, सड़कों पर, कार्यालयों के कमरों के कोनों में जो ये एक व्यवस्था है, इसको भी कभी ना कभी हमको अंत करना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल इस समय महामारी के समय ही नहीं, सामान्य समय में भी जब जो है इस चीज़ की थूकने की और जगह जगह जो है कीटाणु फैलाने की जो समस्या है, इनको भी जो है कहीं ना कहीं हमको रोकने की आवश्यकता पड़ेगी। एक निर्देश, एक सुझाव और एक कह लीजिए अपील भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि पार्कों में लगभग 14 अप्रैल तक लोग ना जाएं, स्वतः ना जाएं और कोशिश करें कि अपने घर में, अभी तो आपने देखा भी है, योग करके अन्य फिजिकल एक्सरसाइजेस से घर में जो है अपना स्वास्थ्य लाभ लें। एज फार एज पॉसिबल पब्लिक प्लेसेस में वो ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक अपील सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन प्रतिदिन उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि कल दो बार बैठक उन्होंने कोरोना वायरस के संदर्भ में ली है, आज भी उन्होंने 11 बजे से बैठक ली है। तो जो ये आज प्रेस ब्रीफिंग में कर रहा हूँ, ये उसी बैठक के क्रम में जो निर्देश दिए हैं वो हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस की चुनौतियों के संदर्भ में जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और विशेष रूप से दवा विक्रेताओं और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी जो VC में उपलब्ध थे जनपद स्तर पर, उनसे अपील की है कि दवाओं की व्यवस्था कर सुनिश्चित करना, व्यापार मंडलों के माध्यम से जो है आवश्यक वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने में वो सभी लोग अपना सहयोग दें। एक ये जो जन कल्याण की जो भाव है, ये प्रदेश के कोने कोने में जन जन तक जाए, इसके लिए उन्होंने अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर हालत में प्रेस को ब्रीफ प्रदेश स्तर पर तो यहाँ 4 बजे शाम को करें, लेकिन ये भी निर्देश दिया है कि जनपद स्तर पर जो जिलाधिकारी है वो भी प्रचार के माध्यम से लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुँचाएँ और उसको जो है सुनिश्चित कराएं। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो यह है, आपको मालूम है कि प्रथम चरण में 15 जनपदों को जो है हम लोगों का जो है शासन स्तर से आदेश हुआ था, एपिडेमिक्स एक्ट में इनको लॉकडाउन किया गया था, और उसके बाद 16वां जनपद जो है वो पीलीभीत हुआ था, 17वां जनपद जौनपुर हुआ था। आज सुबह 7 बजे हमें जानकारी मिली शामली के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही आदेश दिया कि शामली को भी शामिल कर लिया जाए, और अब उन्होंने दिन में 12 बजे के आसपास हम लोगों को निर्देश दिया है कि हम पूरे प्रदेश के हर जनपद में 25, 26 और 27 को प्रथम चरण में विशेष रूप से जो है लॉकडाउन की स्थिति में लेकर आएंगे, और जैसा सभी जनपदों में शुरू कर दिया गया था ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाए, ये व्यवस्था हमें करनी है। लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि हर सूरत में जन सहयोग लेकर लोग जो है घर से बाहर ना निकले, लेकिन जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो उनको, आवश्यक सामग्री है वो उनको जरूर पहुंचा दी जाए। लेकिन ये भी उन्होंने एक निर्देश जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को दिया है और ये उनको छूट दी है कि यदि प्रदेश के जनपद के किसी भी कोने में, मोहल्ले में, किसी भी क्षेत्र में यदि जन सहयोग में कहीं कमी लगती है या उनको लगता है कि लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, तो कर्फ्यू भी लगाने का निर्देश उन्होंने जिले स्तर के अधिकारियों पर छोड़ दिया है। आज शाम को हम और हमारे DGP साहब जो है इसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे
हम ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं कि जनपद स्तर में कहीं भी किसी भी जनपद में यदि कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता हुई तो इसको भी जो है हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि सभी जनपदों में जो जिलाधिकारी, जो पुलिस अधिकारी और अन्य विभागों के और हेल्थ के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं और विशेष रूप से वाहन हैं, उन पर जो है लाउडस्पीकर लगा दिए जाए जिससे जन जन तक जो है सूचना चली जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है कई शहरों में चालू है, थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसका भी उपयोग किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के समय जैसा मैंने अभी कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कार्रवाई की जाए। मैं विवरण अभी आपको दूंगा कि कहां कहां कितनी कार्रवाई की गई है। लगभग 350 FIR जो है प्रदेश स्तर पर अभी तक कर दी गई है। कल लगभग 250 FIR हुई थी, आज दिन में लगभग 100 FIR हुई है। हालांकि पुलिस को ये निर्देश है कि समझाकर और सबको जो है उनको प्रेरित करके जो है उल्लंघन न करने का जो है हिदायत दें, लेकिन जहां नहीं लोग मानते हैं वहां FIR करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के नियंत्रण के लिए इन पूरे प्रयासों को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन और मॉनिटरिंग करने के लिए 4 कमेटियों का गठन किया गया है। पहली कमेटी माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठन किया गया है। ये सभी कोरोना से संबंधित कार्यों का अनुश्रवण करेगी और राज्य से बाहर आने वाले व्यक्तियों का भी अनुश्रवण करेगी। जो राज्य में विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय है, जो बाकी जो हेल्थ विभाग का समन्वय है, जो कृषि विभाग और मंडियों का और जो खाद्य आपूर्ति विभागों का समन्वय है, जो पुलिस विभाग और बाकी विभागों का जो समन्वय है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो डेली सुबह और शाम जो है इस चीज़ को मॉनिटर करके ये प्रदेश में इस कार्य को सुनिश्चित करेगी। माननीय मुख्य सचिव महोदय के संदर्भ में जो बैठक दिन प्रतिदिन आयोजित होगी उसमें सभी विभागों के हमारे प्रतिनिधि रहेंगे। दूसरी जो कमेटी उन्होंने गठित की है वो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है जिसमें आवश्यक वस्तुओं यथा सब्जी, दूध, खाद्यान्न, पशु चारा, पोल्ट्री चारा, मछली का चारा, अन्य जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको जो है मॉनिटर किया जाएगा, उनके मूवमेंट का और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मॉलों में ठेलों की व्यवस्था, होम डिलीवरी की व्यवस्था और मंडी समितियों के माध्यम से सब्जियों का और बाकी जो सामग्री है उसको पहुंचाने की भी जो है मॉनिटरिंग APC साहब की अध्यक्षता में कमेटी करेगी। ये कमेटी APC साहब की यूथ को मोबिलाइज करने के लिए जो युवक मंगल दल है, जो नेहरू युवा केंद्र है, सिविल डिफेंस के लोग हैं और सामाजिक और धार्मिक संगठन के वॉलंटियर्स हैं, इनको भी इकट्ठा करेगी और कोशिश करेगी कि फूड पैकेट्स की तैयारी हो। बहुत सारे जगह मजदूरों को जहाँ खाना नहीं मिल पा रहा है और ढाबे और बाकी चीज़ें बंद हो गए हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी किचन बनाकर पूरी जो है एहतियात बरतते हुए फूड पैकेट्स के लिए भी जो है व्यवस्था करने के लिए, सचल वाहनों की व्यवस्था करने के लिए और विशेष रूप से चूँकि कल से जो है नवरात्र शुरू हो रहा है, पूजन सामग्री भी यदि संभव हो तो वो भी जो है जगह जगह मोहल्लों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने APC साहब की अध्यक्षता में कमेटी को किया है। APC साहब की अध्यक्षता की कमेटी दिन प्रतिदिन मॉनिटर करेगी और इसमें जनपद स्तर के जो CDO हैं और उनके सहयोगी जो अधिकारी हैं और युवक मंगल दल के जो अधिकारी हैं और युवा कल्याण के अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के अधिकारी, इनको भी जोड़कर कार्रवाई करेगी। इसके साथ तीसरी कमेटी IIDC महोदय की अध्यक्षता में होगी। ये कमेटी विभिन्न प्रतिष्ठान जो बंद हो गए हैं, जहां श्रमिक जो है कार्य उनको नहीं मिल रहा है, ये इंश्योर करेंगे कि लेबर के नियमों के अंतर्गत और एपिडेमिक्स एक्ट के नियमों के अंतर्गत उनको जो है उनका जो मानदेय है वो निरंतर मिलता रहे, घर से होम से वर्क करने की व्यवस्था हो, वो करने की व्यवस्था हो जाए। किसी भी सूरत में किसी भी श्रमिक को, किसी भी जो है कर्मचारी को, किसी भी जो है वर्कर को कोई तनख्वाह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके परिवार का भरण पोषण होता रहे, IIDC महोदय इसको इंश्योर करेंगे। IIDC महोदय विशेष रूप से नोएडा और नोएडा से जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, गाजियाबाद और जो इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं
उनको भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे समन्वय बनाकर जो हमारे श्रमिक वर्ग है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चौथी कमेटी जो है अपर मुख्य सचिव गृह यानी मेरी अध्यक्षता में गठित की गई है, जो कोरोना और कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था के संदर्भ में, पुलिस के व्यवस्था के संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में, बाकी सब जो कार्य है उसके संदर्भ में गठित की गई है। डीजीपी साहब और हम दोनों व्यक्ति जो है सहयोग करके इस कमेटी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ये पूरा लॉकडाउन की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, जो और प्रशासनिक व्यवस्था है, और इसमें जो समन्वय की आवश्यकता है, कहीं कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता है, कहीं जो है फोर्स और भेजने की आवश्यकता है, कहीं पर किसी भी तरह की कोई घटना है उसको जो है हैंडल करने की आवश्यकता है, प्रदेश के बॉर्डर्स पर मूवमेंट में कहीं कोई कठिनाई है उसकी आवश्यकता है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स में कहीं दिक्कत है उसकी आवश्यकता है, उन पर जो है ये चौथी कमेटी जो है अपना कार्य करेगी। यानी चार कमेटियां प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की हैं, एक मुख्य सचिव की समिति जो सभी कमेटियों का कार्य भी देखेगी और पूरे प्रदेश के समन्वय का कार्य सुनिश्चित करेगी, एक एपीसी साहब की कमेटी जो पूरी आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं को पहुंचाने के लिए और युवकों को और धार्मिक संगठन और इस तरह के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए गठित है, तीसरा आईआईडीसी महोदय की अध्यक्षता में जो हमारे कामगार हैं और श्रमिक हैं और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे बड़े उद्योगों से लोग जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था के लिए होगी, और कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से रिलेटेड जो कमेटी है जो ACS होम यानी मेरे और DGP साहब के साथ जो है गठित की गई है, विभिन्न दवा विक्रेता संघों और व्यापार मंडलों के माध्यम से संगठनों का बहुत अच्छा सकारात्मक सहयोग मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सबने आश्वस्त किया है कि इस दिक्कत की घड़ी में, इस कठिनाई में, इस पूरे जंग में, इस लड़ाई में वो पूरा अपना सहयोग देंगे और जन जन तक व्यवस्था सुनिश्चित करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बिंदु मैं अपनी ओर से, गृह विभाग की ओर से और DGP साहब की ओर से जरूर कहना चाहूँगा कि इस समय यदि काला बाजारी मास्क के बारे में या PPE के इक्विपमेंट के बारे में, दवाओं के बारे में या कोई भी आवश्यक सामग्री के बारे में कहीं काला बाजारी पकड़ी जाएगी तो बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, NSA तक लगाने की कार्रवाई होगी। तो कहीं भी हम इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी हिम्मत भी न करे काला बाजारी करने का, क्योंकि बहुत सख्त कार्रवाई होगी और उसमें कहीं भी किसी तरह सा जो है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। मास्क, ग्लव और सैनिटाइजर की व्यवस्था कैसे होगी ये हेल्थ विभाग करेगा, लेकिन इसमें कहीं कोई जो है अगर दामों में बढ़ोतरी होगी तो उसको जरूर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि किसी तरह की भी लीव जिला प्रशासन, पुलिस और जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनको नहीं रहेगी। एक अनुरोध ये भी है, हम मीडिया के माध्यम से ये जो है ऐलान भी करना चाहते हैं, आपका सहयोग भी लेना चाहते हैं कि इस पूरे अभियान में फेक न्यूज़ ना हो, और फेक न्यूज़ अगर होगी तो कार्रवाई उस पर भी होगी, आपका सहयोग हमें चाहिए होगा। कई लोग जो है फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं, बिना वेरीफाई किए कोई फेक न्यूज़ अनावश्यक सनसनी न फैलाई जाए और कोशिश की जाए कि फेक न्यूज़ पर हम पूरा तरह से प्रतिबंध रखें। सूचना विभाग में एक टीम का गठन भी किया गया है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एक टीम गठित करेंगे, फेक न्यूज़ कहीं होगी तो उस पर जो कानून है और एपिडेमिक्स एक्ट पे कार्रवाई भी की जा सकती है, एपिडेमिक्स एक्ट में भी कार्रवाई है, तो ऐसे ही कोई कार्रवाई पे से लोग जो है बचें। आज आपको मालूम है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह बटन दबाकर इलाहाबाद बैंक के माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम से जो नई योजना उन्होंने भरण पोषण की घोषित की थी उसमें से 5,97,000 श्रमिकों को 1,000 रुपया जो है RTGS से हस्तांतरित करने का कार्य सुनिश्चित करा दिया, और पहली महिला जो आई थी रेखा कुमारी, यही लखनऊ में पास में ईंट और सीमेंट का काम करती हैं रेखा कुमारी जी, उनको जो है चेक के माध्यम, चेक दिखाया सिग्निफिकेंट के रूप में उनके खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया। इसी प्रकार अन्य श्रमिकों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जैसे जैसे उनके खाते और डिटेल्स आते जाएंगे सबको जो भरण पोषण की योजना है उसके अंतर्गत जो है वो
धनराशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये धनराशि ठेला चलाने वालों को, खोंचा वालों को, साप्ताहिक बाजार में भाग लेने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, ई रिक्शा चलाने वालों को, और साथ साथ जो भी दिहाड़ी मजदूर है जहाँ कहीं भी है उनको ये व्यवस्था जो है दी जाएगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,65,00,000 अंत्योदय योजना को जो लाभार्थी हैं उनको तुरंत खाद्यान्न देने का निर्देश दिया है। मनरेगा में जितने श्रमिकों को RTGS के माध्यम से धनराशि दी जाती है वो इस माह के अंत तक अंतिम सप्ताह में वो भी खाते में सीधे चली जाएगी। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो निःशुल्क राशन की योजना है ये भी पहले सप्ताह में, अप्रैल के पहले सप्ताह में ये भी जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज रिव्यू करके विभिन्न पेंशन की योजनाओं में, यानी वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, साथ साथ जो है दिव्यांग पेंशन में लगभग जो 83,00,000 लाभार्थी हैं उनको भी एडवांस में पेंशन देने के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है 3 माह की पेंशन देने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मैं अब निवेदन करूंगा कि इस पूरे अभियान में जो कार्रवाई हेल्थ विभाग की ओर से, मेडिकल एजुकेशन की ओर से, पूरे प्रदेश में इस महामारी को लड़ने के लिए जो विशेष कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको बताएं। धन्यवाद। प्रदेश में जैसा आपको जानकारी है अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के 35 प्रकरण सामने आए हैं। अभी आज जो 2 प्रकरण सामने आए हैं वो एक शामली का है और एक नोएडा का है। 35 में से 11 लोग इलाज के बाद बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री होकर के डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वो घर चले गए हैं, जिसमें आगरा से 7 और नोएडा से 1 और गाज़ियाबाद के 2 और 1 लखनऊ, इस तरह से कुल 11 लोग वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। बाकी जितने भी इसके पेशेंट हैं वो सारे ही स्टेबल हैं, किसी की भी स्थिति में किसी प्रकार की कोई विशेष बात नहीं है, सबके सब स्टेबल हैं। इस समय जो हमारे जो पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स हों या जिन जो सस्पेक्टेड केसेस हों वो 68 लोग हमारे इस समय भर्ती हैं और सब पर नज़र रखी जा रही है, सबके टेस्टिंग वगैरह का सैंपल वगैरह दिया गया है। अभी तक कुल मिलाकर के हम लोग 2,800 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स हम पोजीशन में ला चुके हैं और बहुत जल्दी ये संख्या 11,000 पार हो जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो राजकीय सेक्टर के हों या निजी सेक्टर के हों, सभी में लगभग 200 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। तो प्रदेश में कुल 51 मेडिकल कॉलेज हैं, 24 राजकीय सेक्टर में और 27 निजी सेक्टर में। तो ये आइसोलेशन बेड्स की जो संख्या है उसको रैंप अप किया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ प्रदेश में अभी जो प्रकरण है बहुत ही सीमित संख्या में है, पर फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। आइसोलेशन बेड्स के अलावा जो क्वारंटीन के लिए जो व्यवस्था की जानी होगी, जो लोग भी पॉजिटिव केस के क्लोज कॉन्टैक्ट वाले हों जिनको हम फैसिलिटी में क्वारंटीन कर रहे हैं, जो उनके दूर दराज के कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं, वो अभी हम लोगों ने फैसिलिटी में क्वारंटीन के लिए लगभग 5,000 बेड्स की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि हमको अभी इसकी बहुत ही इसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे 5,000 बेड की व्यवस्था है और इसको हम बढ़ा करके 10,000 से 15,000 के बीच हम इसको ले जाएंगे बहुत जल्दी, ताकि उतनी हमारे पास व्यवस्था रहे। जो इसके लिए टेस्टिंग की सुविधा होती है वो आप जानते हैं कि पहले केवल 3 जगह उत्तर प्रदेश में इसकी टेस्टिंग हो रही थी, अब इसकी टेस्टिंग 6 स्थान पर हो रही है। वो है एक KGMU, एक अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, SGPGI मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है लाजपत नगर मेडिकल कॉलेज मेरठ,
और लखनऊ में ही जो कमांड हॉस्पिटल है आर्मी का, 6 जगह पर टेस्टिंग की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा गोरखपुर में जो NIV का सेंटर है वहाँ और सैफई, इन दोनों में भी बहुत जल्दी टेस्टिंग की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी जगह और भी केंद्रों पर हम टेस्टिंग की व्यवस्था करवाएं। ICMR ने अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो लैब्स हैं उनको भी एग्जामिन करके अब उनको भी परमिशन देना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ से भी कुछ लैब्स वहाँ अप्लाई कर रही हैं, जैसे ही वो उनका उनको वो वहाँ से अधिकृत किया जाएगा हम आपको बताएंगे। एक जो इसमें बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहने की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन, ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ही आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आप संक्रमण से दूर रहेंगे। आपके माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो संक्रमण है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी संक्रमित व्यक्ति हो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ये प्रेरित करें, जो संक्रमित व्यक्ति है वो तो हॉस्पिटल में आइसोलेट होता है, जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उसको भी हम क्वारंटीन में ले जाते हैं फैसिलिटी वाले में, जो और लोग भी हों उनके आसपास के उनको आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि वो कुछ समय के लिए सब्र करें और 14 दिन से लेकर 28 दिन का जो पीरियड होता है उस समय अपने घरों में रहें। और जब वो घरों में भी रहें उस समय भी घर में भी वो अपने आप को घर में भी अलग रखें, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है उनमें इसका असर ज़्यादा होता है। तो अगर वो घर में भी होम क्वारंटीन में भी हैं तो उनको ये चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों से अलग रहें, अपने बच्चों से अलग रहें, वो अपने आप को अलग थलग घर में भी रखें और जब उनका क्वारंटाइन का पीरियड समाप्त हो जाए उसके बाद ही वो लोगों से संपर्क करें। एक चीज़ जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी जब झांसी जा रहा था एक देखने के लिए आइसोलेशन वार्ड वगैरह, तो रास्ते में एक ANM को मैंने देखा जो बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखा रही थी, और आपके माध्यम से वो मैं बताना चाहता हूँ, व्यापक इसका प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बना रखा था, उसको उन्होंने कहा, बच्चों को सिखा रही थी कि तुम लोग सुमन के याद कर लो। तो मैंने उनसे पूछा कि सुमन के क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि सुमन के, आपको मैं बताती हूँ, बच्चे खड़े थे, उन्होंने स्टार्ट किया S से सीधा, तो जो हाथ धोए साबुन लेकर के तो पहले सीधा, फिर U से उल्टा, तो उल्टा हाथ साफ करिए उल्टा, फिर M से मुट्ठी, तो मुट्ठी साफ करिए मुट्ठी, A से अंगूठा, तो अंगूठे के ऐसे सफाई करिए अंगूठा, और N से नाखून, तो नाखून की सफाई करें, नाखून को साफ करें, और अंत में ये सुमन हो जाने के बाद के जो है वो है कलाई, फिर साबुन से कलाई को साफ करिए। तो इस तरह से जब साबुन पानी से आप हाथ की सफाई करें तो कम से कम 25-30 सेकंड तक सफाई करिए। अगर ये आप सुमन के लगाएंगे तो खुद ही 25-30 सेकंड हो जाएगा, और ऐसा करने से जो वायरस है वो पूरी तरह से मर जाएगा, तो आपका हाथ बिल्कुल भी संक्रमित हो जाएगा। और ये जो वायरस का ट्रांसमिशन का रास्ता है वो आप जानते हैं कि आँख और नाक और मुंह होकर के ही है। जो खांसते हैं या छींकते हैं, जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, वो अगर कोई हमारे बहुत क्लोज है, इसीलिए देखिए हम लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर बहुत नज़दीक हो और कोई छींके खांसे तो उसके वो ड्रॉपलेट चला जाएगा, उससे वो संक्रमित हो सकता है। और अगर कोई मेरे आसपास नहीं भी है और मैं यहाँ पर छींकता और खांसता हूँ और इस मेज पर जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, फिर दूसरा कोई व्यक्ति जब इसको इस्तेमाल करेगा वो उसको हाथ से छुएगा सरफेस को, और हम लोग की अक्सर आदत होती है कि हम लोग हाथ से फिर आँख को मुंह को छूते रहते हैं, जब ये हाथ को फिर आप जब आँख नाक मुंह छुएंगे तो वो वायरस आपके अंदर चला जाता है और फिर आप संक्रमित होते हैं। तो इसलिए अगर आप हैंड वॉश कर लेते हैं
जब भी आप कभी बाहर गए या आपने कोई काम धाम किया, कुछ भी किया, तो हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश कम से कम 25-30 सेकंड करिए, तो आप उससे विसंक्रमित हो जाएंगे और संक्रमण नहीं होगा। अपने घर के सभी लोगों को बताएं और बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। मुझे आपसे यही कहना था। ये मेरा निवेदन ये है कि लगभग 4 बजे हम लोग डेली करेंगे। एक सुझाव यह है कि बड़े हॉल में चलिए 4 या 4:30 होगा, हम लोग तय कर देंगे। हो सकता है अब अगली बार से हम लोग बड़े हॉल में करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम लोग ज़रूर उसको प्रोवाइड करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रदेश में सभी जन सहयोग से लोगों का ये पूरा अभियान चलेगा। कोरोना वायरस पर प्रदेश में टीम भाव में बहुत अच्छा काम हुआ है। टीम के साथी आप भी हैं और आपका भी हम लोग सब सहयोग चाहेंगे, और आपको भी कहीं भी हमारा सहयोग चाहिए होगा हम उसको देंगे। मैं इसी शब्दों के साथ एक निवेदन अंत में जरूर करना चाहूँगा कि एक एक करके आप लोग निकलेंगे। हाँ, यस, आप बताइए। नहीं, गलत है, वो टोटली गलत है। वो देखिए, दो बातें आपने पूछी हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की भी लिस्टिंग कर रहे हैं। अभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटीज अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है। जब जरूरत होगी तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर की सहायता भी इसमें हम लेंगे, उसको हम लिस्टिंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, वो जो है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, वो केवल हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, सिर्फ उनके लिए ICMR ने रिकमेंड किया है। जनरल पब्लिक के लिए रिकमेंड नहीं किया गया। जनरल पब्लिक उसको किसी प्रकार से भ्रम में ना आए, ना ले, उसका नुकसान होगा। सर, एक सवाल हो रहा है, अस्पतालों में नर्सों को जो किट वगैरह दी जाती है वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा कल सोशल मीडिया पर जारी विवाद है कि नेता जो डॉक्टर की है उसने अपने बयान जारी किया। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि हर एक अस्पताल में जितनी आवश्यकता है हाँ उसके हिसाब से सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय सभी अस्पताल जो हैं वो चाहते हैं कि हम स्टॉक करके रखें। आप समझ सकते हैं कि इस समय हम किसी को स्टॉक करने के लिए नहीं दे सकते, इसलिए हम लोगों ने उसको सेंट्रली प्रोक्योर हम करके रख रहे हैं। जहाँ जहाँ सिचुएशन बन रही है, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है जिसमें कि हर जिले को आवंटन होता है, सामान्य आवंटन होता है। जहाँ जहाँ सिचुएशन बनती है वहाँ वहाँ हम लोग उसको आवश्यकता के अनुसार भेज रहे हैं। हमारे पास सभी चीज़ें जो हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एक सूचना और हम आपको दे दें, पुलिस विभाग ने संकलित करके DGP साहब ने भेजी है। 17 जो जनपद कल तक की सूचना थी उसमें 1285 नाका यानी चेक पोस्ट हर जनपद में क्रिएट किए गए थे। कुल मिलाकर 32,830 वाहन जो है 32,830 वाहन चेक किए गए थे। चालानों की संख्या 13,219 थी। सीज किए गए वाहन 532 थे। वसूल किया गया शमन शुल्क 4,80,000 रुपया था। कुल 188 के अंतर्गत 360 FIR दर्ज की गई थी और कुल 1,165 लोगों का चालान किया गया था। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो कार्रवाई और ये जो सख्ती की गई है वो केवल इस आधार पर की गई है कि लोगों को बहुत क्लियर बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरे कार्रवाई को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेगा और उसमें कोई कोताही नहीं बरती।